हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। मैंने बैक टू न्यू वीडियो। गाइस इस वीडियो में आपको स्लाइस फंक्शन के बारे में बताऊंगा। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है एरे का जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो गाइस इसको आप देख लीजिए। अब गाइस स्लाइस फंक्शन क्या करेगा? स्लाइस फंक्शन ये करेगा कि आपको जो है कुछ अलग जो है निकालना है एरे के अंदर से वैल्यू, ठीक है? तो उसको जो है अलग से काट के जो है प्रिंट करवा देगा। तो गाइस ये हमारी नॉर्मल है, तो इसको हम जो क्या करते हैं, पहले नॉर्मल वैल्यू को जो हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, ठीक है। और इसको गाइस हम AR1, ठीक है, अंदर गाइस ब्रेक, अगर आप इसको ब्रेक टिक लगाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है आप ब्रेक टिक्स यहाँ पे लगा सकते हो, HTML के टैक्स, ठीक है। तो BR मैंने यहाँ पे दिया, देन BR मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, एंड होपफुली इट्स वर्क, ठीक है। रिफ्रेश, देन रन, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है डोमिन रेसर। डोमिन रेसर आपको सबसे कम प्राइस पे फास्टेस्ट वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। और गाइज यहाँ पे जो प्राइजेस है वो इतनी ज्यादा चीप है कि आपको सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ पे SSD होस्टिंग मिल जाती है। 59 रुपीज पर मंथ पे काफी सारी होस्टिंग कंपनी इवन आपको HSD होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करवाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ में आपको SSD होस्टिंग मिल रही है। इसके अलावा इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स भी है, जैसे लाइटिंग फास्ट स्पीड आपको यहाँ पे मिलती है, आपको फ्री HTTPS प्रोटेक्शन मिलता है, पावरफुल क्लाउड लाइनक्स मिलता है। इसके अलावा गाइज मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे SSD स्टोरेज तो मिल रहा है विद लाइट स्पीड। इसके अलावा आपको हाईएस्ट सिक्योरिटी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और गाइस CMS को आप सिर्फ वन क्लिक के थ्रू जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका सर्वर भी गाइस जो है वो 99.9% अप टाइम है। और गाइस अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं SSD होस्टिंग को, तो इसके लिए जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। आई विल डू वन मोर थिंग गाइस, शायद मैं थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड यहाँ से जो है इस पैराग्राफ टाइप, ताकि यहाँ से जो भी कुछ प्रिंट हो वो जो है H2 में प्रिंट हो, ठीक है। अगर H2 को गाइस में जो है थोड़ा नीचे जो है गाइस यहाँ से मैं बंद करूँगा, ठीक है। ये अगर कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, ठीक है। तो गाइस आपको दिख रहा है ये कोलकाता है, इधर है चेन्नई, इधर है दिल्ली, इधर है बैंगलोर, ठीक है। गाइस इनको जो है अब हमको क्या करना है, ठीक है। अब गाइस मैं स्लाइस फंक्शन का यूज करूंगा, तो गाइस स्लाइस फंक्शन से उससे क्या होगा दिखाता हूँ मैं। गाइस देखिए, तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल AR2, ठीक है। एंड AR2 अब गाइस हम जिस पे फंक्शन लगाएंगे स्लाइस, उसको हमको यूज करना है, ठीक है। AR1, ठीक है, AR1, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं स्लाइस दूंगा, ठीक है। AR इक्वल्स टू लगाना है गाइस, मेरा भी थोड़ा काम। AR1 एंड देन स्लाइस, ठीक है। SLIC आ गया हमारा स्लाइस, ठीक है, मेथड। अब गाइस हमको क्या करना है, अब गाइस हमको दो वैल्यूज यहाँ पे डालनी है, ठीक है, जो जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो गाइस पहले इंडेक्स चलूंगा, तो यह है इंडेक्स 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, ठीक है। और गाइस ये इंडेक्स तो है, लेकिन हमारे सबसे पहले जो वैल्यू है, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। तो कहते आपको इस तरीके से भी याद रखना है, दोनों आपको याद रखना है कि तो इंडेक्स और एक हमने वैल्यू जो है कौन कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो गाइस देखिए यह है चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ठीक है। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि चेन्नई, दिल्ली, मुंबई ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो गाइस इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मुझे इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, तो इंडेक्स नंबर इसका है 1, ठीक है। अब उसके बाद गाइस मुझे क्या करवाना है, मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है मुंबई तक, ठीक है। तो चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। तो यहां तक अगर गाइस मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे ये जो पोजीशन है ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो अब गाइस मुझे पोजीशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पे गाइस हम इंडेक्स डाल रहे थे, अब यहाँ पे मुझे जो इसकी पोजीशन डालनी है, ठीक है। तो मैंने पोजीशन डाल दी, ठीक है। एंड देन गाइस ये मैंने डाला, अब गाइस इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। क्या क्या करवा लेते हैं, प्रिंट इसको, ठीक है, ताकि हमको रिजल्ट मिल जाए कि हमको जो जो चाहिए थी वो हमको मिल जाए, ठीक है। तो AR2 यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। एंड गाइस अब रिफ्रेश कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, ये चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ठीक है। तो क्योंकि इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे डाला चेन्नई, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेन्नई से स्टार्ट हुआ। उसके बाद में गई पोजीशन 4, तो इसने फोर्थ पोजीशन जो है फोर्थ पोजीशन तक जो तक ही ये गया। तो पोजीशन वाइज ये फर्स्ट था, सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन तक ये गया, इसने यहाँ पे इंडेक्स नंबर इग्नोर किया है। ये पोजीशन ही ध्यान रखिए, इसको अलग रखिए और इसको अलग रखिए, ये आपका इंडेक्स नंबर है और ये जो है आपकी पोजीशन है, ठीक है। दोनों जो है डिफरेंस है कि इंडेक्स नंबर जो आपका चालू हो रहा है वो 0 से चालू हो रहा है, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन आपकी जो पोजीशन जो चालू हो रही है वो 1 से हो रही है, यह 1, यह सेकंड, यह थर्ड, यह फोर्थ, यह फिफ्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम ला पाए, ठीक है। लेकिन गाइस आप चाहते हैं कि आपको जो है फर्स्ट पोजी ये फर्स्ट इंडेक्स नंबर से जितने भी सारे हैं वो एक साथ आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ आपको यही लिखना है 1, ठीक है।
है, तो इसके लिए आपको सिर्फ यही लिखना है। क्या लिखना है, हमने क्या लिख रखा है इधर एआर में, यहाँ पे सिर्फ गाइस आपको लिखना है। तो यहाँ से वन, जैसे मान लो मुझे चाहिए कि मैं प्रिंट करूँ दिल्ली मुंबई बैंगलोर, तो गाइस इंडेक्स टू से जो है आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इंडेक्स टू से मैं लिखता हूँ ना, अब हम गाइस को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये आगे दिल्ली मुंबई बैंगलोर, ठीक है। तो ये गाइस इस तरीके से भी आप करवा सकते हो गाइस। एक ऑप्शन हो रहा है वो है माइनस का, ठीक है। तो गाइस इसके अंदर जो है -5, ये है -1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, लेकिन गाइस पोजीशन वही रहेगी, ठीक है। तो गाइस -5 मैं यूज करता हूँ, ठीक है। -5 एंड -5 से गाइस मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 या 2, ठीक है। चलिए -5 लिखा, मैं 2 लिखा हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए, रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखिए गाइस कोलकाता जानी फर्स्ट टू वैल्यू हो गई। फर्स्ट टू वैल्यू से आई क्योंकि गाइस -5 जो है गाइस ये है, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर अगर हम माइनस में करते हैं इंडेक्स नंबर, तो गाइस वो कुछ ऐसा होगा -1, -2, -3, -4 एंड -5, ठीक है। एंड देन उसके बाद में गाइस ये पोजीशन की -5 से फर्स्ट पोजीशन कोलकाता है, सेकंड पोजीशन चेन्नई है, ठीक है। लेकिन गाइस मैं करता हूँ कि यार -3 से मैं करूंगा, ठीक है। एंड -3 से क्या करना है मुझे, मुझे अगर ये दिल्ली मुंबई बैंगलोर तीनों प्रिंट कराने, तो गाइस यहाँ पे मुझे 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पोजीशन 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। देन रिफ्रेश करते हैं, दिल्ली मुंबई बैंगलोर, ठीक है। तो आपको सिर्फ अगर एक ही प्रिंट करना है, मान लीजिए कि आपको एक ही प्रिंट करवाना है, तो आपको वही चीज दो बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस इंडेक्स पहले लिखिए, मान लीजिए गाइस मुझे सिर्फ दिल्ली प्रिंट कराना है, तो मैं पहले उसका इंडेक्स नंबर लिखूंगा, ठीक है। और फिर गाइस इसकी मैं पोजीशन लिखूंगा, तो पोजीशन इसकी है कोलकाता चेन्नई दिल्ली, इसकी थर्ड पोजीशन है, तो फिर इसकी मैं पोजीशन लिख दूंगा, ठीक है। फिर अब गाइस रिफ्रेश करते हैं, तो गाइस सिर्फ दिल्ली दिल्ली जो है प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो गाइस होपफुली आपको समझ में आया होगा कि स्लाइस फंक्शन जो है कैसे काम करता है। अगली वीडियो में आपको स्लाइस फंक्शन के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे लाइक का बटन है, उस पर जो है आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है मैं बता दूंगा कि जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, और एक्चुअली मैंने किस चीज के बारे में बताया है। उसके अलावा गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप रेगुलरली जो है हमारी वीडियोस की अपडेट चाहते हैं, तो गाइस अपने सब्सक्राइबर का बटन है, रेड बटन है गाइस, और इसको जो रेड बटन को जो है आपको ग्रे कर देना है सब्सक्राइब करके। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो की, तो जब आप सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे एक बेल आइकन भी आएगा, उस बेल आइकन पे भी जो है आप क्लिक कर दीजिए, तो जब भी हमारे चैनल की वीडियो आएगी आपको इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।